नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रतुल कृष्ण, आप देख रहे हैं टेक्निकल विजन चैनल। दोस्तों अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में मोबाइल फोन्स की जो कंपनियां हैं वो लगातार अपने अच्छे से अच्छे फोन और कम बजट में निकाल रही हैं, तो इंडिया एक बजट फोन के रूप में बहुत ही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो इसी को देखते हुए सैमसंग ने भी अपने दो न्यू फोन लॉन्च करने के लिए कह दिए हैं। पहले फोन का नाम सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस और सेकेंड फोन का नाम सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस। ये दो न्यू फोन लॉन्च करने वाली है। तो इसमें जो सैमसंग गैलेक्सी J6 4 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस, ये जो दो न्यू फोन लॉन्च करने वाली है उसमें एक नया स्पेशल फीचर लेकर, उसका मेन मकसद है जो एक नया, ये जो दो नए फोन आ रहे हैं उसमें एक स्पेशल फीचर लेकर ये फोन लॉन्च कर रही है। तो ये जो स्पेशल फीचर है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन जो ये जो नए फोन लॉन्च करने जा रही है सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस, तो ये जो कल 25 सितंबर को जो मतलब यानी कि कल जो फोन लॉन्च होने जा रहे हैं, तो इसमें क्या क्या फुल स्पेसिफिकेशन है ये मैं आपको बताता हूँ, और जो इनकी जो प्राइस रखी गई है क्या ये बजट फोन के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, ये लोग आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज आप नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। दोस्तों सबसे पहले तो अगर हम बात करते हैं सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस, सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस, तो इन दोनों की जो डिस्प्ले रखी गई है, इन दोनों की डिस्प्ले आपको 6 इंच की रखी गई है, और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस की भी आपको डिस्प्ले इसमें 6 इंच की रखी गई है। इसके बाद अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करते हैं, तो इसमें प्रोसेसर आपको 425 स्नैपड्रैगन का क्वाड कोर 1.4 गीगाहर्ट्ज़ ऑक्टा कोर प्रोसेसर रखा गया है। ये सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस में दोनों में ये समान रखा गया है प्रोसेसर। इसके बाद अगर इसके हम वेरिएंट की बात करें, तो सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस इसमें थोड़ा चेंजमेंट किया गया है। सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस का वेरिएंट आपको 232 में और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस का वेरिएंट आपको 464 में वेरिएंट आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद अगर हम इसके कैमरे की बात करते हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस जो है इसमें आपको कैमरा, जो हम बैक कैमरे की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल का, और सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस के ही फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा इसमें आपको मिलेगा। इसके बाद हम सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस की बात करते हैं, तो इसमें भी आपको यही सेम, अगर हम बैक कैमरे की बात करें तो उसमें 13 मेगापिक्सल, और फ्रंट कैमरे की बात करें तो उसमें आपको थोड़ा चेंजमेंट किया गया है, इसमें 8 मेगापिक्सल आपको कैमरा मिलेगा। इसके बाद अगर हम इसके बैटरी बैकअप की बात करें, तो इसमें सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस की बैटरी की बात करें, तो सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस जो लॉन्च किया गया उसमें बैटरी आपको 3300 mAh की मिलेगी, और यही चीज़ सैमसंग गैलेक्सी J6 प्रो में भी आपको बैटरी 3300 mAh की मिलेगी। इसके बाद अगर हम इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इसका भी एंड्रॉयड 8.1 ओरियो दिया जा रहा है, और इसमें भी आपको सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस जो सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस है उसमें भी आपको एंड्रॉयड वर्जन 8.1 ओरियो दिया जा रहा है। इसके बाद अगर हम इसकी वेट की बात करें, तो सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस है, सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस आपको वेरियंट इसमें आपको 178 ग्राम का वेट मिलेगा, और इसमें भी सेम यही वेरिएंट आपको जो सैमसंग गैलेक्सी J6 प्रो है इसमें भी आपको वेरिएंट 178 ग्राम का मिलेगा। मतलब कि अधिकतर जो चीज़ें हैं वो सब कुछ सेम रखी गई हैं। इसके बाद एक चीज़ और आती है, इसमें जो चेक कलर किया गया है कि सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस है उसमें आपको जो कलर मिलेगा, तो उसमें कलर आपको मैं बता देता हूँ, ब्लैक मिलेगा, गोल्ड मिलेगा और पिंक कलर का मिलेगा। और सैमसंग गैलेक्सी में जो 6 प्लस है उसमें कल एक वेरिएंट चेंज किया गया, इसमें भी ब्लैक मिलेगा, ग्रे मिलेगा और रेड मिलेगा। इसमें वेरिएंट के कलर में भी थोड़ा डिफरेंट किया गया है। इसके अगर हम सैमसंग गैलेक्सी जो J4 प्लस है, तो उसके अगर हम प्राइस की बात करते हैं, तो इसमें जो प्राइस रखी गई है वो 10,990 रुपये रखी गई है, और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस है तो उसका वेरियंट आपको मिलेगा 15,990 रुपये। मतलब कि इसमें अगर हम सैमसंग गैलेक्सी J4 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस की अगर बात करें, तो इसमें केवल कैमरे का डिफरेंट किया गया फ्रंट का, और वेरिएंट में जो वेरिएंट आ रहे हैं 232 और 464 के, और इसमें कलर के डिफरेंट किए गए हैं बस, और इसके अलावा कुछ नहीं किया गया है। हाँ, जो कंपनी सैमसंग गैलेक्सी लॉन्च करने जा रही है उसका जो मेन मकसद है, जो इसे एक स्पेशल फीचर ला रही है वो है इमोटिफाई फीचर जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो आप मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं या फिर सोशल मीडिया के कोई भी ऐप नॉर्मली यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसमें 22 लैंग्वेजेस में आप बातचीत कर सकते हैं, कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री से बात कर रहे हैं तो 22 लैंग्वेजेस में आप इसमें चेंजमेंट कर सकते हैं। बट अभी तक जो फ़ोन आ रहे हैं उनमें ऐसा कोई भी फीचर नहीं दिया गया है। लोग गूगल
ट्रांसलेट का यूज करते थे, लेकिन जो इसमें जो स्पेशल फीचर है सैमसंग गैलेक्सी जे 4 प्लस और सैमसंग गैलेक्सी जे 6 प्लस में, तो उसमें स्पेशल इमोटिफाई फीचर दिया जा रहा है, जिसमें आप मैसेजिंग हो या फिर सोशल मीडिया का कोई भी ऐप्स हो उसमें आप 22 लैंग्वेजेस में आप अपनी भाषाओं को चेंज कर सकते हैं और एक दूसरे से बात कर सकते हैं। ये जो फ़ोन ला रही है इसमें सबसे स्पेशल फीचर ये, बट इसमें ना तो आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा ना तो आपको फेस अनलॉक का सिस्टम इसमें मिलेगा, जो नॉर्मली बजट फ़ोन के रूप में जो आप फ़ोन आ रहे, पता नहीं सैमसंग गैलेक्सी सैमसंग कंपनी कर क्या रही है अच्छे सच्चे, लेकिन ला रही है एक ये छोटी सी चीज़, पता नहीं क्या कर रही है। देखते हैं कि सैमसंग आगे क्या नया करती है। फिलहाल सैमसंग ने जो दो न्यू फ़ोन लॉन्च करने के लिए कह दिए 25 सितंबर को, वो जो कि कल है, तो ये फ़ोन लॉन्च कर रही है और उसके फुल स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। आपको ये फ़ोन कैसे लगे हैं मतलब जो मैंने स्पेसिफिकेशन बताई वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों एक बार फिर से, अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। रोज़ आपको एक परमानेंट एक वीडियो मिलती रहेगी एक। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। तेरा नी हाई रेटेड गबरू नु मारे हाँ।